इंद्री हल्के के गांव भादसो में बनी भट्टा कॉलोनी में बरसात का पानी भर जाने के कारण लोगों को अपने घर छोड़कर ग्राम सचिवालय व अन्य जगह पर शरण लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन तथा ग्राम पंचायत के द्वारा इन लोगों की सुध नहीं लेने से खफा ग्रामीणों ने आज इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया और सरकार व पंचायत के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं पर ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर ग्राम सरपंच के घर पर जमकर बवाल काटा। घर पर महिला सरपंच न मिलने से खफा ग्रामीणों ने रोष जताया और कहा कि उनकी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए। शासन और प्रशासन ने भी आज तक सुध नहीं ली। डीसी एसडीएम भी गांव में चक्कर लगा चुके हैं और खुला दरबार भी लगा चुके हैं, फिर भी क्यों इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस कॉलोनी को बने हुए काफी वर्ष हो गए हैं। यह कॉलोनी 1984 में बनी थी, लेकिन आज तक भी इस कॉलोनी की भी एक भी गली का निर्माण नहीं हो पाया। जब भी बरसात होती है तो कॉलोनी की गलियों में व घरों में 3 से 4 फुट तक का पानी भर जाता है, जिसकी वजह से लोगों को अन्य जगह पर शरण लेने को मजबूर होना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि इस गांव को राज्यसभा सांसद राम कुमार कश्यप ने गोद लिया हुआ था, लेकिन उन्होंने भी इस गांव की कोई सुध नहीं ली, जिसकी वजह से लोग नरक का जीवन व्यतीत करने को मजबूर हो रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वह अपने परिवार को लेकर वह अपने सामान सहित इंद्री एसडीएम कार्यालय पर बैठ जाएंगे और उसके बाद वह तभी उठेंगे जब उनकी समस्याओं का समाधान होगा। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की करोड़ों रुपए की आमदनी होने के बावजूद भी इस कॉलोनी का सुधार नहीं किया गया। वोट मांगने के लिए सभी आ जाते हैं, लेकिन उनको सुविधा के नाम पर भी कुछ नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि जब तक उनकी समस्याएं नहीं सुनी जाती तब तक वह शांत नहीं बैठेंगे। जब इस बारे में इंद्री खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अंग्रेज सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान जल्दी किया जाएगा। ग्राम पंचायत हर कार्य करने में सक्षम है, अभी तक गलियों का निर्माण क्यों नहीं हुआ इस बारे में वह कुछ भी नहीं कह सकते, फिर भी उनकी समस्याओं का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। और जी भट्ठा कॉलोनी है हमारे यहाँ जी, इस कॉलोनी की स्थिति बहुत खराब है जी। यहाँ पे पानी इतना भर रहा है कि हर एक इंसान है जो बाहर निकल कर खड़ा, और हर एक के मकान गिर लिए बहुत से, और बच्चे बीमार हो रहे, यहाँ बहुत पानी भर रहा, पशु मर गए हैं यहाँ पे। और यहाँ सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही है, हमारा पंचायत कोई सुविधा नहीं दे रही यहाँ पे, और संसद ने यह गांव गोद लिया था, उसने इब तक भी यहाँ पे ना तो कोई गलियां बनवाई और ना यहाँ पे कोई कार्रवाई करी है। पंचायत ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी है जी, 15 साल हो गए यहाँ पे हम पंचायत के पास जा रहे, भाई यहाँ पे गलियां बनवाओ, वो पंचायत भी हमारा कोई संविधान नहीं कर रही इसका बिल्कुल भी। सरपंच से भी कह दिया हमने, और आगे डीसी पे डीएम वहाँ से सब पे दरखास्त भी दी है जी यहाँ पे सब ने, लेकिन तो भी वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं आ रही हमारे पास। प्रशासन से कोई आदमी नहीं आया जी यहाँ पे, कोई नहीं आया जी। 3 दिन हमने यहाँ से, तीसरा दिन आज बिल्कुल डूब रहे हम, यहाँ न कोई सुविधा नहीं मिल रही, गर्म हो जी 6-6-7 फुट पानी भी जा रहा जी, और बाजा घर ऐसा हो रहा जी जो बिल्कुल ही डूब रहा जी। हमने गांव में किसी के दूसरे के घर में शरण ले रखी जी, कुछ इंसान ना पंचायत में चौपाड़ में इस तरह ले रखी शरण जी, और सब के जी नाज खराब हो लिया, पशु भी हो गए मर गए कहीं, और यहाँ पे जो लकड़िया ईंधन जो भी है वो भी सुविधा बिल्कुल खत्म हो ली, बच्चे बीमार हो गए मैं हॉस्पिटल में जा रहे। मेरा नाम रणधीर है सर, और मैं गाँव भादसो भट्टा कॉलोनी का रहने वाला हूँ जी। यहाँ 87 के बाड़े कटे हुए हैं जी, इंदिरा गांधी आवास योजना में कटे थे, और आज तक इनमें यहाँ पे कोई भी गली की कोई सुविधा नहीं है, शुरू से याद में रह रहे। इस कॉलोनी में कम से कम 50 ऐसे घर हैं जी, जो मतलब 50-60 घर हैं जो यहाँ रह रहे हैं जी, लेकिन किसी को भी कोई पानी की निकासी की सुविधा नहीं है, पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है। और ये गांव जो हरियाणा का नंबर वन गांव बता रहे हैं जिसको, भादसो को राम कुमार कश्यप ने सन 2014 में ये गांव गोद लिया था जी, उस टाइम जब बरसात हुई जो तब भी ऐसा ही पानी हो गया था जी, तो राम कुमार कश्यप उस टाइप आए थे जी यहाँ पे, और उन्होंने देखा जी यहाँ आके, तो उन्होंने 2 महीने का टाइम लिया था सन 2014 में, लेकिन आज तक उन्होंने भी कोई कार्रवाई की। उसके बाद 22 मई सन 2018 में डीसी साहब
साहब यहाँ आए थे जी, यहाँ खुला दरबार लगा था जी सचिवालय में, लेकिन उन्होंने भी यहाँ आके कहा जी सब भाई गलियाँ बनेंगी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई जी गलियाँ की भी। आज तक ये गलियाँ ऐसी हैं, हर एक गली में 5-5 फुट 6-6 फुट का पानी है जी, लोगों के घरों में पानी बढ़ गया जी, पशु मर गए हैं, पिछले साल एक बच्चे को सांप ने काट लिया था जी, उसकी मृत्यु हो गई थी ऐसी। और आज तक भी ना किसी सरपंच ने आकर देखा, यहाँ कोई मेंबर पंचायत ने, कोई प्रशासन ने नहीं आके देखा जी, और डीसी ने भी बस कह के चले गया था, उसका डायरी नंबर दरखास्त नंबर सब हमारे पास है जी, हमने जो दरखास्त दी हुई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उसके बारे में भी। और यहाँ की हम तो यही सुविधा चाहते हैं कि ये पानी की निकासी होए और गलियों का समाधान किया जाए जी। पंचायत कुछ नहीं कर रही है जी, पंचायत में इतना पैसा जी इतना किसी गांव में नहीं होगा, 12-13 करोड़ गांव में लगे दिखा रखे जी, लेकिन लगाया कहाँ है जी, वहाँ खा गए उसने भी वे, यहाँ से कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी 4.5-4 करोड़ हमारे गांव के लोग मतलब सरपंच दान लग रहे कारण उसने कल्पना चावला हॉस्पिटल में करनाल, उसने यहाँ नहीं लगा सकते जी, 1 करोड़ का भी नहीं है जी ये काम। तो अगर 1 करोड़ रुपया यहाँ लगा दिया जाए तो कॉलोनी की सुविधा नहीं होगी जी। हमारी मांग तो यही है जी, गलियां बननी चाहिए, पानी की निकासी होनी चाहिए जी, पीने के पानी तक की भी सुविधा नहीं है जी, यहाँ लोगों के अनाज इस तरह बिक रहे, सारा राशन किसी का खाने जोगा नहीं रहे जी। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ जी, हम तो सारी औरतों को और बच्चों को लेके जी हम SDM के यहाँ डेरा डाल लेंगे जी, वहीं बैठेंगे जी जाकर, क्योंकि अब तक भी हमने ना न्यूज भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, उन्होंने कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही जिसके बारे में, तो अब तो वहीं उन्हीं के बारे में गिरने में फायदा जी, वहीं गिरेंगे जी जाकर। आगे विधानसभा के इलेक्शन है, आगे देखा कोई वोट ले जाएगा इस तरह, उसका पूरा बहिष्कार करेंगे जी उसका भी। मेरा नाम मोनिका है जी, यहाँ हम भट्टा कॉलोनी में रहते हैं, परसों के बहुत ही परेशान है सरपंच, यहाँ वोट लेने के लिए तो आते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, उस समय तो चाहे उनको पैरों में गिरा लो, पैरों में पड़ जाते हैं, बाद में यहाँ आके कोई नहीं देखता, बस वहाँ जाते हैं, वहाँ भी कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, करना तो बहुत कुछ कर सकते हैं जी सरपंच साहब भी, पर पिछली साल SDO आया था जी, उसको भी बाहर से बाहर निकाल दिया, गलियां भी दिखाई, बस वैसे यहाँ को ले गए लेडीज को, वहाँ को निकाल दिया सर उसको SDM को जी, और DC को, और यहाँ देखो जी हालत कैसे हैं, हम भी परसों के समान डर है जी, परेशान है, ना तो रात को सो पाते हैं जी, सांप कीड़े का भी डर है जी, यहाँ बस सरपंच अपनी चलाता है, पैसे के लिए तो यहाँ बहुत पैसा है जी, पैसे का क्या करे जी, जब सुविधा ही नहीं गाँव में, ऐसे पैसे का क्या कर सकते हैं जी, देखो जी कैसे है, 2 तो यहाँ पशुए मर गए जी, और यहाँ का बहुत ही हालत खराब है जी, एक लेडीज ने तो पकड़ के ले गई, और एक लेडीज गर्भवती है जी, उसका तो बहुत ही दिक्कत हो रही जी, कल से पानी में निकल के पैर फिसल गया जी, कल के अस्पताल में है जी वो, उसको भी बहुत ही परेशानी हो रही है जी, बताए से पैसे का करे क्या जी, जब सुविधा ही नहीं अपने घरों में, गोद ले रखा जी, गोद का भी क्या फायदा जी, जब आके नहीं देखते, यहाँ 2014 में लिया था जी गोद, जब मेरी शादी हुई जी, जब भी ऐसे बुरा था यहाँ जी, तब भी हम ऐसे निकले थे पानी में, तब भी सरपंच ने कहा कल परसों फोन करे सरपंच को, बोला मैं क्या निकाल सकता हूँ, निकालना ना तो निकाल भी सकते जी, आप वोट भी ला सकते हो, या आपके आपके साथ तो चल सकता होगा वो सारा, लेकिन सरपंच ही नहीं करेगा तो क्या क्या हो सकता है जी, उरा कुछ भी नहीं, सरपंच आए तो सब कुछ हो सका जी, लेकिन सरपंच तो सोच ही नहीं रहा कि बात सो भट्टा कॉलोनी को सुविधा दे, दें दे नहीं जी सुविधा, तो क्या करे जी बता, वोट वोट चाहिए जी सरपंच ने, तो वोट लेने के खातर तो पैरों में भी पड़ने को तैयार है जी, और बाद में कोई पूछता भी नहीं मारे बरगिया ने, तो क्या करे जी इसका, क्या मांग करते हो आप लोग, मांग तो यही जी गलिया बने, खड़ियाले मकान है जिनका लैंटर ग्रांट पास करके दिखावे जी, और ग्रांट दे नहीं है, क्या करे जी सोचे उसका, पड़ेंगे जी सारे सामान ना ठाकर, सारे भट्टा कॉलोनी SDM के SDO के पास पड़ेंगे, जाकर ठाकर देखियो जी, फिर SDO भी हमने, फिर जो मनी उठने के जी चाहो वही मर्जी हो जी, मम ये हाल है जी हमारे पास, अब कुछ और समाधान नहीं दिया तो क्या करे सका जी, हमारा तो लैटरिन का खड्डा भी बैठ गया जी, परली साइड जाकर देखो जी सारा सामान खराब हो रहा है, इसकी भट्टा कॉलोनी है बादशाह के अंदर, इसके अंदर ज्यादा बरसात होने की वजह से पानी इकट्ठा हो गया, घरों में पानी बढ़ा है वहाँ पे, हमने उन घरों को अभी पंचायत की सचिवालय में अन्य जगहों पे शिफ्ट कर दिया सुरक्षा हेतु, लेकिन जैसे ही बरसात का ये भी पानी कम होगा उसके वहाँ पे लीज पीट या कुछ अन्य वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के तहत कोई ना कोई उसकी निकासी का समाधान वहाँ पे कराएंगे, सड़के का इसके बारे में मेरे को पूरी डिटेल यहाँ के बारे में पता नहीं है, शुरू में जब 100-100 गज के प्लाट कटे थे उसमें कई पंचायतों के पैसे आए थे गलियाँ बनाने के लिए, वो एक्शन ऑफिस में आए थे, कुछ वो नहीं हुआ। नहीं ये पैसे जो आए थे 100-100 गज कॉलोनी के जो प्लाट कटे थे 2008 के बाद उनके लिए आए थे, इनके सड़कों के या गलियों के पैसे।
अगर पहले कॉलोनी कटी है उसके बारे में नहीं मैं कह सकता उसके पैसे आए या नहीं आए। ये जो 100 गज के प्लाट कटे थे इसके महात्मा गांधी बस्ती योजना के तहत, उन प्लाटों के लिए गलियाँ बनाई गई जो भी उसमें डिमांड जरूरत होगी, जरूरत के मुताबिक वहाँ पे सारे काम उनके हम करवा दिए जाएंगे। प्रायोरिटी के तौर पे अब हम इसको भट्ठा कॉलोनी को ही लेंगे।